वेलकम टू संगीता की रसोई। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे अप्पे पेम में लिट्टी, और उसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए हम लेंगे आटा, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, यहीं पर डाल देंगे हम थोड़ा सा अजवाइन, इसे हाथों से हम क्रश करके डालेंगे, और इसमें डालेंगे मोयम के लिए तेल। तो मैंने यहाँ रिफाइंड तेल का यूज किया है, यहाँ 2 बड़े चम्मच लिया है। इसे अच्छी तरह से हम हाथों से मिलाएंगे, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे हम अच्छा सा लोई बनाएंगे। ये आटा गीला नहीं होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका एक सख्त डो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे आटा गूंथ लिया है, इसे और थोड़ा सा हम मस लेंगे, इसका एक चिकना डो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने अच्छी तरह से आटा गूंथ लिया है, इसका चिकना डो बना लिया है। तो इसे ढक कर हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। तब तक हम यहाँ पर डाल दें सत्तू भी। तो सत्तू के लिए हमने प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया काट लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसी में डाल देंगे हम चने का सत्तू। तो यहाँ हमने लिया है काली मिर्च, इसे हम खल में कूट लेते हैं। इसका बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको हम बारीक से कूटेंगे। इसमें डाल देते हैं। हमने यहाँ पर लिया है अजवाइन, इसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। यहीं पर हम डाल देंगे कलौंजी, अब उसमें डाल देंगे तेल। तो हमने यहाँ सरसों तेल लिया है, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहीं पर हम डाल देंगे आधा नींबू निचोड़कर, उसका बीज हटा देंगे। इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा मसाला ले सकती हैं अचार का, उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स करके रख लेते हैं। तो सत्तू हमने बना लिया है, चलिए लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो अप्पम पेन बनाने के लिए हम इसका छोटे छोटे से लोई बनाएंगे। तो इसके हम छोटे छोटे लोई बनाएंगे। तो अप्पम पेन में है जो छोटा छोटा लोई से ही इसका लिट्टी तैयार होता है, ज़्यादा हमें बड़ा नहीं बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हम हाथों से घुमाते हुए इसे हम गोल आकार देंगे, और बीच में हम सत्तू को भरेंगे। तो इस तरह भर कर हम अंगूठे से दबाएंगे, दबा कर इसे हम चारों तरफ से फोल्ड करेंगे। जो बीच में एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे। तो इसी तरह हम गोल आकार में इसको बना देंगे। तो इसी तरह सारे हम लिट्टी बना कर रख लेते हैं। तो चलिए अप्पम पेन इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारी अप्पम पेन जो है गर्म हो गई है, इसमें हल्का हल्का हम घी लगा देंगे। अगर आपको घी पसंद हो तो लगा सकती हैं, वरना इसे स्किप कर सकती हैं। तो सभी खानों में हमने घी लगा दिया है। अब सभी खानों में हम लिट्टी को रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सभी खानों में लिट्टी रख दिया है, और इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम आंच पर। तो यहाँ पर देखिए, 5 मिनट हो गया है। इसे हम अब थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर, यानी घी लगाकर इसे हम पलटेंगे। तो ऊपर से घी लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। अब इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके पलट देते हैं। इसे हम पलट कर सेकेंगे, इसे चारों तरह से लिट्टी हमारा सेक जाएगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों, अप्पम पेम जो है लिट्टी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत सॉफ्ट बनता है।
तो इसे ढक कर हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, इसे पलट के हम थोड़ा और पका लेते हैं बीच बीच से। तो इसे ढक के हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें पकाते हुए 2 मिनट हो गया है, लिट्टी हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से बन जाता है लिट्टी। दोस्तों यहाँ पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपन पेम बनाकर। तो दोस्तों आज जो लिट्टी का रेसिपी यहीं पर ख़त्म होता है, कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।